ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का यूज़ करूंगा मैं, सभी का लिंक आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हमेशा की तरह। तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ से इसको बैकग्राउंड को इरेज कर लेंगे, ठीक है। जो जो हमें पार्ट हमें रखना है बस हम उसको यहाँ पे रखेंगे, बाकी सबको इरेज कर देंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद सबको इरेजर को सिलेक्ट कर लेना है, हार्ड ब्रश को ले लेना है, एंड उसके बाद आपको फोटो को जिस टाइप से जूम कर लेना है एंड कुछ इरेज करना है। सॉरी गाइस, पहले मेरे को यहाँ पे लेयर को आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम जिसको हमें इरेज करना है उस लेयर को ऊपर रखेंगे एंड इसको क्लिक करके एंड कुछ टाइप से हम फटाफट यहाँ से इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम फटाफट पहले कर लेते हैं। एंड गाइस, अगर आपको इरेजर जैसे फोटो को कैसे इरेज करते हैं, अगर उसके ऊपर अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए, अगर आपको देखनी है, तो अगर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अभी मैंने रिसेंटली एक नई वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, तो मैंने उसको सब कुछ अच्छे से समझा रखा है कि आपको बैकग्राउंड कैसे इरेज करना है। तो गाइस, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। बाकी चलिए गाइस, हमने इरेज कर लिया, अब हम इस फोटो को यहाँ पर सेव कर लेंगे एंड यहाँ से सिंपली बैक चलेंगे एंड यहाँ से हम अपने इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेंगे। एंड उसके बाद गाइस, हम यहाँ पे अपने मॉडल को यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेंगे, ठीक है। जो भी हमने इरेज किया है उसको हम कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स मॉडल को यहाँ पे लगा लेना है। एंड गाइस, जो मॉडल है आप सभी को उसको गाइस आपको बहुत ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार इसमें ना थोड़ा हार्ड वर्क है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। यहाँ पे हम ओपेसिटी कम कर लेंगे एंड यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमें मॉडल का चाहिए एंड जो आगे वाला मॉडल है उसको अगर आपको अपने आगे रखना है तो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत लगेगी, यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम ओपेसिटी सेलेक्ट करके एंड कम करके एंड उसके बाद हम कुछ स्टेप्स ऐड करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ओपेसिटी हम फुल करके देखेंगे कि यहाँ पे पूरा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो बाकी जो एरिया आ रहा होगा हमारा, उसको तो हम यहाँ से इरेजर पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम फोटो को जूम करेंगे एंड हमें जो जो एरिया इरेज करना है उसको हम फटाफट यहाँ से इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को बिल्कुल आराम से करना है, यहाँ पे मेरे थोड़ी वीडियो को फास्ट कर रखी है, ठीक है, बट आप लोगों को एकदम आराम से करना है एंड ताकि जो बिल्कुल अच्छे से हो एंड रियलिस्टिक से लगे, ठीक है। तो आप सभी को वैसे इरेज कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट इरेज करता हूँ थोड़ा। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है मैंने इसको तो थोड़ा इरेज कर लिया, ठीक है, जितना हमें यहाँ पे चाहिए था। तो हम ऐसा एक बार डन करके देखेंगे ओपोजिट फुल करके, तो कैसे देखिए यहाँ पे परफेक्ट है। तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे रहता है तो उसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले तो हम इसको अनडो करते हैं, ठीक है, कुछ एरिया इरेज तो नहीं हुआ है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा जो इधर से इरेज हो गया था तो हम इसको पूरा फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फिल कर दिया हमने एंड यहाँ से भी थोड़ा सा इरेज हो गया था तो यहाँ से फिल कर देते हैं एंड उसके बाद आप सभी को देखो गाइस बिल्कुल लग चुका है। तब क्या करेंगे, हम यहाँ डन कर देंगे एंड उसके बाद अब इसमें बनानी है हमें थोड़ी सी शेडो। उसके लिए हम जाएंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को स्मूथ ब्रश को ले लेना है एंड इसका जो साइज फुल रख लेना है, जो अमाउंट है इसका अराउंड 9 तक कुछ रख देना, 9 या 10 तक, ठीक है। उसके बाद आप सभी को फोटो को जूम करना है एंड उसके बाद आप सभी को पीछे की साइड में कुछ टाइप से शेडो क्रिएट कर देनी है, ठीक है। एंड गाइस, शेडो कैसे क्रिएट करनी है एकदम मतलब रियलिस्टिक टाइप की, तो उसके ऊपर भी मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है। तो इसका लिंक आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उससे भी। तो यहाँ पे गाइस कर देने के बाद अभी हम करते हैं डन, ठीक है। तो शेडो भी हमारी बिल्कुल रियलिस्टिक सी बन चुकी है। तो अब क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा काम हो रहा है, अब इसके लिए हेड फोटो में जाएंगे। हेड फोटो में जाने के बाद गाइस हम इस वाले पीएनजी को लेना आपको पार्टिकल्स के एंड इसको स्क्रीन कर देना है। उसके बाद जो स्नो का पार्टिकल है तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको फुल स्क्रीन करके अपनी फोटो में लगा देना है एंड जो इरेजर टूल में जाके आप सभी को जो फेस के ऊपर जो एरिया आ रहा है उसको इरेज कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको सिंपली डन कर देना है एंड उसके बाद गाइस आप सभी को थोड़ा सा काम और करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आप सभी को जाना टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को जो ब्राइटनेस ऊपर की तरफ बढ़ा देना है एंड उसके बाद जाना इरेजर टूल में, इन्वर्ट कर देना, ब्रश को सिलेक्ट करना है, साइज को थोड़ा छोटा कर देना है एंड फोटो को जूम करना है। उसके बाद आप सभी को अपने फेस के ऊपर डोजन बन करना कुछ इस टाइप से, ठीक है गाइस। एंड गाइस, डोजन बन के ऊपर भी मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो भी वीडियो देखनी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके देख सकते हो एंड आपको उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप सभी को अराउंड इसका ओपेसिटी 4 तक रख देना एंड कर देना डन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को इस फोटो को सेव कर लेना है, इस पर कलर करेक्शन करना है लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस यहाँ पे हमने लाइट रूम ऐप को ओपन कर लिया, तो उसके लिए करना आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन में एंड उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को कम कर देना है, शेडो को बढ़ा देना है, व्हाइट को कम कर देना है, ब्लैक को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना नीचे वाले कलर्स में एंड वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना है एंड जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है एंड जाना येलो कलर में इसके ह्यू को माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, जाना डार्क ब्लू में इसके ह्यू को माइनस प्लस में रख देना, ठीक है। एंड उसके बाद सैचुरेशन इसको भी प्लस कर देना है, उसके बाद कर देना डन। एंड उसके बाद गाइस जाना नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देना है, फोटो में विगनेट हल्का सा विगनेट डाल देना है एंड उसके नीचे स्क्रॉल करना, ग्रीन अमाउंट मिलेगा आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, नीचे वाले टूल में जाकर फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको बढ़ा देना है, जो नॉइज रिडक्शन आप सबको उसको भी बढ़ा देना है एंड जो कलर नॉइज रिडक्शन आप सबको गाइस इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूं यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।